Hi, good morning. This is again from Jeet's Mania. Sasikal, namaste, adab. How are you? I hope you all are fine and happy and doing good in your all life. तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये उस रिस्पॉन्ड में है जो मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड की थी. तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैसेज मैंने दिया है कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बच्चों की एजुकेशन के खिलाफ हूँ. मैंने ये मैसेज इसलिए दिया है कि बिगिनिंग जब स्टार्टिंग जब परवरिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली अच्छे नागरिक होंगे. तो एजुकेशन सबसे पहले घर में स्टार्ट होती है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है या ग्रो करता है हमारे हाथों में, तो मुझे लगता है कि उसी टाइम हम उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं. उसे ऐसी परवरिश दें जो कि किसी कलर रेस से ऊपर हो. एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके दिमाग में अपने धर्म के लिए ज़्यादा और दूसरे धर्मों के लिए नफरत पैदा ना हो. उसकी परवरिश घर से ही ग्रोथ ऐसी हो कि उसके दिल में, उसके दिमाग में हर एक रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो, ताकि जो आज हो रहा है उसे हम कल रोक सकें. और दूसरी बात यह है कि आजकल जो वुमेन टीजिंग जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों की परवरिश स्टार्टिंग से ही ऐसी हो. आजकल तो को एजुकेशन स्कूल्स हैं और गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आजकल के जो छोटे बच्चे, जो नए बच्चे हैं, उनके दिमाग में इतनी गंदगी नहीं है जितनी हम देखते हैं या सुनते हैं. तो बच्चों की, लड़कों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि उसे ऐसा लगे ना कि लड़की क्यों होती है, लड़की का क्या काम है. क्योंकि औरत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, एक घर नहीं चल सकता, एक सोसाइटी नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं चल सकता. तो औरत की रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. घर पे अगर रिस्पेक्ट होगी तो बाहर भी होगी. तो बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें पानी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी है वो ग्रोथ करे और अच्छे नागरिक हों. मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि बच्चों को स्कूल ना भेजें या बच्चों को घर पे रखें, या ऐसा कुछ नहीं था. मेरे कहने का मतलब था कि जितनी क्लियरिटी से बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे समाज में जैसे ही आता है, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, ये सब कुछ समाज में आने के बाद ही सीखता है. और कहीं ना कहीं से उस चीज़ की शुरुआत घर से ही होती है. तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि घर में ऐसी परवरिश दें, ऐसा समाज हम बनाएं कि दुनिया याद रखे. थैंक यू सो मच.